पहले आप लोग ऐसा करिए कि इस वीडियो को सुनिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग कुछ बातें करते हैं। गिनते हम लोग थक गए, समझिए वो किया है 5 घंटे 6 घंटे से हम लोग घाट पे इंतजार करना पड़ा रेलगाड़ी जलाने के लिए। पूरा ऊपर से नीचे सब जगह, कहीं भी जगह नहीं, लकड़ी का अभाव हो गया घाट पे, ये स्थिति है। हम लोगों को जो भी लकड़ी मिली है अभी गीली लकड़ी मिली, बहुत मुश्किल से शोर सिफारिश करने के बाद गीली लकड़ी मिली, तब दाह संस्कार हो रहा। 5 से 6 घंटा हम लोग वेट किए, वही बहुत मेहनत करने के बाद लकड़ी मिली। तो घाट कितना वेटिंग में होंगे लोग, कितना लोग वेटिंग में होंगे लोग? वेटिंग तो अभी देखिए 25 से 30 लोगों की संख्या वेटिंग में भी चल रही है। ये जितने चल रहे हैं लोग, क्या ये सब कोरोना के हैं? तो सील पैक करके आ रहा है तो उसको क्या कहा जा सकता है, कोरोना ही कहा जा सकता है? जो सील पैक वाली आ रही है कोरोना ही कहा जा सकता है ना, और क्या कह सकते हैं लोग? ये स्थितियां हैं, बहुत भयावह स्थिति है। ये वीडियो मैंने किस लिए दिखाया, आप कुछ समझे? आप समझ सकते हैं कि ये तो एक शमशान घाट की बात है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि देश में कई शमशान घाट होंगे, और यही स्थिति हर जगह बनी हुई है। आपने उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें शमशान घाट को एक तरह से टीन से बंद किया जा रहा है चारों तरफ से, कि लोग बाहर से देख ना पाए अंदर क्या चल रहा है। और आप समझिए, यकीन, ये तो यकीन करना भी पड़ेगा आप लोगों को कि अभी भी जिस तरह से टेस्टिंग होनी चाहिए नहीं हो रही है। और दूसरी बात, आप लोग याद रखिए अंदर क्या चल रहा है, शायद हम तक नहीं पहुंच पा रहा होगा। और आपने देखा होगा चाइना भी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू में जो मौतें हुई थी और उस समय मौतों को छुपाया गया था। यहां इस व्यक्ति की बात को से लग सकता है आप लोगों को भी 1000 मौतें हुई होंगी, 1000 से बढ़ के हुई होंगी। इसलिए कह रहा हूं कि नेताओं ने बिल्कुल आप लोगों को बुरे हाल में छोड़ दिया है। आपको अब अपनी सुरक्षा खुद करनी है। क्या स्थिति बनी हुई है अभी भी आप लोग समझ जाइए। अगर आप देख रहे हैं कि काफी पीक पर पहुंचने वाला है, काफी लोगों तक जो घर में बंद भी है, पूरी सेफ्टी भी रख रहे हैं, उन तक भी कोरोना पहुंचने लगा है। और आपके देश के कई पॉलिटिशियन भी आप देख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव भी हो चुके हैं। देखिए, मैं बता रहा हूं कि आपकी तुलना कभी मैं पॉलिटिशियन से नहीं करता हूं, नेताओं से, क्योंकि नेताओं के पास आप देखते हैं कि सभी सुविधाएं हैं। उन्हें VIP ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आप समझ सकते हैं कि उन्हें कोरोना वैक्सीन भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन हमारी आपकी क्या स्थिति है आप बेहतर जानते हैं। कल आपने देखा होगा एक पेज पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ था कि एक लड़की, आपने देखा होगा कि किस तरह से उसका बाप मर गया स्वास्थ्य मंत्री के सामने, और वो चिल्लाती रही। और मीडिया की तो देखिए आप लोग, की मीडिया जितनी गिर सकती थी गिर चुकी है। आप जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं ना, उसका काम खत्म हो चुका है। वो तभी पहुंचती है, आप जिस तरह पुलिस का नहीं रहता था कि काम खत्म होने के बाद पुलिस पहुंचती है लेट, उसी तरह मीडिया का काम हो गया। इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाती है और जब काम पूरी तरह से तबाह हो जाता है, ठीक है। और कई कई हॉस्पिटलों में देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो रहे हैं, उपलब्ध नहीं है एक तरह से, समझ रहे हैं आप? देखिए, इसलिए ये नहीं कह सकते कि कोरोना आप कहिए कि खतरनाक है। कोरोना तो चलिए खतरनाक है ही, अब आपको अपनी सुरक्षा खुद रखेंगे तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। और आपको कोई डरा नहीं रहा है यहाँ। और आप समझिए कि कोरोना के फैलने के कुछ कारण डॉक्टरों ने बताए हुए हैं। इसमें आप देखिए कि एक तो कोरोना का अलग एक नया वेरिएंट आया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब है कि नया स्ट्रेन आया हुआ है।
जो पहले आप देखते थे बेटे इन ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क में फैला हुआ था, ठीक है। और मार्च के अंत के आसपास आप एक आपने देखा होगा कि भारत में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसे आप लोग NCDC भी कहते हैं, इसने जानकारी भी दी थी आप लोगों को कि डबल म्यूटेंट आया हुआ है और ये काफ़ी आप समझ सकते हैं कि काफ़ी खतरनाक भी है, समझ रहे हैं आप लोग। और दूसरी प्रॉब्लम ये है फैलने की, कोरोना बढ़ने की, कि आप लोगों ने जो नियम निर्धारित किए गए थे, एक तरह से कोरोना का जो प्रोटोकॉल बनाया गया था उसे कोई पालन नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात आप समझिए कि नेता ही आपके पालन नहीं कर रहे हैं तो जनता कहाँ से करेगी, ये आप लोगों को देखना होगा। और आप समझिए कि भगवान के भरोसे मत बैठिए। वो दशरथ मांझी की कहानी मुझे याद आ जाती है कि वो नहीं कहता था कि हो सकता है कि भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, तो आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बड़े सुरक्षित रहिए। देखिए किसी की डेथ होती है तो उसका परिवार ही उस डेथ को, मतलब उस मौत को अनुभव कर सकता है, उस दर्द को वही परिवार जान सकता है, तो आपको सुरक्षित रहना है। और तीसरा याद रखिए, वैक्सीनेशन की रफ्तार भी अभी कोई ज़्यादा तेज नहीं है, और कई लोग तो आप देख रहे होंगे कि वैक्सीनेशन करवाने से भी डर रहे हैं, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं, झिझक रहे हैं लोग एक तरह से। और तीसरी आप देख रहे हैं कि जो लापरवाही तो है ही, और लापरवाही ना होती तो आप देख सकते थे कि काफ़ी कंट्रोल पा लिया था हम लोगों ने, लेकिन फिर से देखिए किस तरह से, आप देखिए 2 लाख ऊपर, 2 लाख से ऊपर केस आए हुए हैं आज तो, ठीक है। और एक तो आपकी क्या है कि एंटीबॉडीज खत्म होती जा रही है लोगों के अंदर, जो आप कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज कमजोर हो रही हैं, एक ये भी कारण बना हुआ है। ये भी आपका एक इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने ये रिपोर्ट बताई है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। तो आप लोग यही क्या काम कर सकते हैं कि देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना चिंता की कोई बात भी नहीं है मुझे लगता है, लेकिन आप लोगों को 2-4 बातें याद रखनी होगी। एक तो आप लोग कहीं भी जाते हैं बड़े सेफ्टी से जाइए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में किसी एक मेंबर को होता है और वो मेंबर घर में जाता है तो आप समझिए कि पूरा परिवार संक्रमित हो जाएगा, और क्या स्थिति बनेगी आप बेहतर समझ सकते हैं, और बहुत दुख होगा। आपने सुन ली है उस व्यक्ति की आवाज की, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने मुर्दे नहीं देखे, समझ में आ रहा है कहने का मतलब उसका क्या है। और सबसे पहली तो बात आप सोचिए कि जिसे कोरोना हो रहा है उसकी स्थिति क्या बनी हुई है, हॉस्पिटलों की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, तस्वीर कई उभर के आ रही है, तो वहां भी आप लोग बड़े ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी जाइए बड़े, एक तरह से जाने का कोई मतलब ही नहीं है, मत निकलिए, ठीक है, और क्योंकि बहुत पछताना पड़ेगा। और साथ में आप समझ सकते हैं कि जो जिसे हो रहा है वो तो ठीक है, साथ में उसका परिवार भी भुगत रहा है, क्योंकि परिवार पर ही केवल असर पड़ता है ना, कुछ होता है आपको दुख हो सुख हो, ठीक है। और इसमें तो आप देख रहे हैं कि सुख हो तो 1000 व्यक्ति आते हैं, लेकिन दुख हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई नहीं आ रहा है यार। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, इतना खतरनाक कुछ नहीं है, अगर आप अपनी सेफ्टी रखते हैं तो जरूर आप लो। और देखिए अब पीक पर ही है लगभग, आप देख सकते हैं, इसके बाद कुछ समय के बाद एक तरह से कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक बड़ा अपना सेफ्टी रखिए, किसी की बातों में मत आइएगा, ठीक है। और अगर हो, अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं, अगर कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो टेस्टिंग जरूर करा लें, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि सभी एक तरह से खुश रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन फिर हाल भी रखिए आप लोग ध्यान, दुआएं कम ही काम कर रही हैं अब, ठीक है, दवाएं ही काम करेंगी। और अगर जो भी आप लोगों को अगर वैक्सीनेशन की सुविधा हो चुकी है तो लगवाते जाइएगा, ठीक है, अभी 45+ 45 45+ हो रहा है, फिर जैसे ही लगे आप लोग लगवाते रहिएगा, ठीक है।